जय श्री राम। शुरुआत इसकी हुई थी एक साल पहले, मैं यूं कहूंगा। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी करके एक चैनल था, उस पर तो एक बहुत यंग सा लड़का स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहे थे वहां पर, और बता रहे थे कैसे कुंडली को देखना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मन में लगा, यार ये नेटिव में ना बहुत काबिलियत है। जिस तरह से उन्होंने समझा रहे थे, उससे लगा कि ये नेटिव बहुत कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैंने एस्ट्रोलाइज सूत्रा चैनल के टीम को कहा कि अगर हो सके तो उस नेटिव को ना अपने चैनल पे जरूर लाइएगा, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान लग रहा है, जितना ज्ञान उनके पास है, अगर वो यहाँ पर शेयर हो तो हिंदी भाषी लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो चैनल अभी तक अंग्रेजी में है, मुख्यतः अंग्रेजी में है, हिंदी में वो अभी कम वीडियो बना रहे हैं। तो प्रियंका महोपाध्याय ने बहुत एफर्ट किया, उनसे बात की, उनसे उनको पूछा, और फाइनली आज वो हमारे साथ है। आई वेलकम मिस्टर भाबजीत, जो अभी फिलहाल जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं पर ही अपनी विद्या भी पूरी कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। बाकी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा भाबजीत खुद ही अपना परिचय दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। भाबजीत जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ तो नितिन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए मुझे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्सुक हूँ मैं बताने के लिए और आपके सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो उनके हो सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक, दो टॉपिक्स जिसको मैंने चुना है बोलने के लिए जिसके ऊपर, और हाँ शुरू करने से पहले मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो तो जो भी गलतियां होंगी उसको थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिएगा, ज्यादा देर के लिए नहीं। हिंदी अच्छी नहीं, आपकी हिंदी मीठी है, और जो बच्चा है जो नेटिव इस तरह से हिंदी बोलता है वो और ज्यादा पसंद आता है लोग। हाँ तो आज मैं सोच रहा था कि आध्यात्म और विवाह इस पे मैं बताऊं, और उसके पहले मैं थोड़ा, क्योंकि आपने पूछा तो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन जर्मनी में, मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, और अभी मेरा खत्म होने ही वाला है, ऊपर वाले की कृपा से हो जाएगा सब ठीक ठाक विद इन 2 महीने के अंदर, तो मुझे डिग्री मिल जाएगी और उसके बाद मैं देखूंगा जॉब ऑप्स के लिए ट्राई करूंगा इधर। और मैंने ये चैनल एक्सोटिक एस्ट्रोलॉजी 5th मार्च लास्ट ईयर को खोला था, रोहिणी नक्षत्र जिस दिन चल रहा था तो अच्छा। और उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस डालते जा रहा हूँ, और मेरा बचपन जैसे बीता है, मेरा जो घर है वो ज्यादा धार्मिक, मेरे मदर फादर नहीं रहे, नॉर्मल रहे जैसे हमारे इंडियन घरों में रहते हैं ना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया वैसे। लेकिन मेरा क्या था ना, बचपन से ही मैं जब छोटा था तो मेरे पास एक किताब थी ना, वो किताब का नाम गैलेक्सीज था, तो उसमें ना ये सब था कि ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये वहां है, ये यहाँ है। तो मैं कभी कभार सोचता था कि ये सब क्या चल रहा है यार। मैं सोचता था कि मेरे फादर ना गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो सुबह जाते थे काम पे ना, फिर रात को आ जाते थे, वही घिसा पिटा शेड्यूल, मेरे मम्मी भी खाना सुबह बनाएगी, मैं भी कॉलेज जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, आ जाऊंगा, तो मुझे लगता है जिंदगी यही है क्या। मतलब ये मुझे लगता था कोई एक ऐसा मशीन में घुसा दिया है कि बार बार वही चक्र चलता रहेगा ना। तो मैं अपना खुद अपना स्टडी करता था ये स्क्रिप्चर्स पे, अपने शास्त्रों पे, अलग अलग लोगों से मिलता था बचपन से ही। उसके बाद मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या है एक्चुअली में स्क्रिप्चर्स का जो फाइनल, जो अंतिम कथन है वो क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आता था। बट मेरा अपना दिमाग में ये बना हुआ था कि जो भी हो, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों में से कोई एक सर्वोच्च है। बट मुझे ज्यादा पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो मैं 2010 में मैं अपने बैचलर्स की पढ़ाई के लिए साउथ इंडिया गया जी। वहां पे मैं बहुत सारे गुरुओं से मिला 2010 के बाद, और फिर मैं मांस खाना भी छोड़ दिया, नॉन वेजिटेरियन फूड। उसके बाद 2010 जुलाई से मैं वेजिटेरियन बन गया, पहले तो मैं बहुत मांस खाता था।
उसके बाद से मेरा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट जग गया इन सब चीजों की ओर, आध्यात्म की ओर, और फिर एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को मैं बहुत पसंद करता था पहले से ही, क्योंकि मैं इसको एक जरिया मानता हूँ कि कैसे हम अपने आप को समझें और हमारे क्या कर्म, हमारे कहाँ कहाँ दुष्कर्म है, सुकर्म जो भी बोलिए आप, अच्छे बुरे कर्म, अच्छाई को हम बढ़ाए और जो बुराई है उसको हम कम करने, उसको खत्म करने की कोशिश करें हम। तो उसी लिए मैं सोचता था कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे हम बहुत जल्दी किसी एक आदमी को जान सकते हैं। एक आदमी को एक घंटा उनसे बात करने के बजाय हम हॉरोस्कोप देखे तो 15 मिनट में हम समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है वो हमें पता चलेगी, क्योंकि कहते हैं ना जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता आप सॉल्व क्या करोगे। तो वही है, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आध्यात्म और विवाह जो है इस पे थोड़ा डिस्कस किया जाए, और मैं कुछ एग्जांपल चार्ट्स दिखाऊंगा समझाने के लिए। और ये चार्ट्स मेरे गुरु भाई है जो उनके हैं, पांचों चार्ट्स, मतलब चार मेरे गुरु भाई और एक एक लेडी का चार्ट है, और वो भी बहुत आध्यात्म में उन्होंने भी बहुत तरक्की किया है। तो ये पांचों कुंडलियां मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा कितना चांस है। बिल्कुल, और वैसे एक बात कहूं, लोगों के बीच में ऐसा भ्रम है या लोग ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्म और विवाह ये दोनों ही टोटली डिफरेंट चीज है, एक काम त्रिकोण का भाग है और एक धर्म त्रिकोण का भाव है। तो लोग इसको जानना चाहेंगे, बड़े मैं कहूंगा जिज्ञासु होंगे कि किस तरह से इन दोनों को कनेक्ट आप करने वाले हो। और हाँ, जहां तक आपने बताया कि रोहिणी नक्षत्र में आपने आरंभ की ये यात्रा, तो रोहिणी नक्षत्र को ध्रुव नक्षत्र कहा जाता है हम ज्योतिष में, चार ध्रुव नक्षत्र है, तो कहते यदि उनमें कोई कार्य चालू किया जाए तो वो लंबा चलता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। चलिए फिर आज बताइए आप हमें क्या बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा विवाह शब्द जो है उसका अर्थ बता के। जी, लोग सोचते हैं कि विवाह क्या है, ओ शादी हो गया, मैरिज हो गया, वेडिंग हो गया ना, जाके खाना खाए, हमें क्या मतलब किसकी शादी, हमें तो खाने से मतलब है बस। आइटम कितना बड़ा उसके अनुसार नापतोल किया जाता है किसकी शादी कैसी थी। यस, लेकिन हमें ये जानना है कि शादी जो बोलते हैं हम विवाह, मैं शादी वर्ड यूज नहीं करूंगा इधर, मैं विवाह वर्ड यूज करूंगा, ना तो मैं वर्ड मैरिज यूज करूंगा, वेडिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैरिज और विवाह में फर्क क्या है। तो शुरू करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो शब्द है विवाह, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस शब्द को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं वी और दूसरा है वाह। इसका अर्थ है कि जो वी है उसका मतलब है विष्णु, भगवान नारायण, श्री हरि। और दूसरा है वाहन, वाहन अर्थात गाड़ी जिसे बोलते हैं, हाँ, जिसके साथ हम जाते हैं। तो विवाह का अर्थात है कि हम एक वाहन में बैठ के भगवान के तरफ जाए, उसका अर्थ है विवाह। और इसका अर्थ यह है कि हम जब भी विवाह करते हैं किसी से भी, तो उसका हमारा परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम ये सफर विष्णु भगवान की तरफ अकेले नहीं जा पाए तो किसी के साथ में जाए, वो परम उद्देश्य है, वो लक्ष्य है विवाह का। ये नहीं कि विवाह होके हनीमून मना लिए फिर बच्चे बच्चे पैदा करके हम सब भूल गए। जी, जी 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 जी, तो वो है, तो वो एक्चुअली में विवाह नहीं कहलाता है वो। अगर हम अग्नि को साक्षी मान भी ले तो वो एक फॉर्मेलिटी जैसा होता है बस, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस है विवाह का वो अचीव नहीं हो पाता है। बिल्कुल, अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखे जी, तो हमारा जो नौवा घर है जी, वो धर्म का है कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो सातवा घर है वो कहते हैं विवाह का है। अगर आप नाइन्थ नौवे घर से सातवें को देखे ना, तो हाँ, एकादश में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो और एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव माना जाता है। सही बात, इसका अर्थ ये है कि धर्म का जो लाभ है वो है विवाह। इसका अर्थ ये है कि जब आपने पूर्व जन्मों में अपना धर्म अच्छे से निभाया, तो इस जन्म में भगवान आपको एक ऐसे
साथी देंगे जिनके साथ आप उस धर्म में आगे जा सके। बहुत बढ़िया, इसका ये अर्थ है, क्योंकि एकादश दिखाता है आपका लाभ कितना हो रहा है। तो अगर आपका किसी से के साथ शादी हो गया है लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों आध्यात्मिक चीजों को साथ में मिलकर करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ। और अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, आपकी कोई भी मैरिज हुई हो, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, लेकिन आप में कोई आध्यात्म के प्रति आपका कोई रुझान नहीं है, खाली आप लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं शादी के 20 साल बाद भी, तो समझ जाना कि कहीं त्रुटि हुई है। तो सवाल है कि अभी नहीं है तो क्या किया जा सकता है। तो हम शुरू कर सकते हैं, हमारा जो भी जितना भी उम्र हो गया है शादी का, 15 साल 20 साल जो भी, या अभी शादी हुई है लगभग किसका भी, तो हम शुरू कर सकते हैं कि रात को जब भी हम लोग घर आए तो हम पढ़ाई कर सकते हैं गीता पे। हम जिस भी धर्म से है, अगर मुस्लिम है तो हम कुरान पढ़ सकते हैं, और सत्संग में हम जाके साधुओं से मिल सकते हैं। और आज मैं कुछ ऐसे कुंडलियां दिखाऊंगा जो मेरे बहुत करीबी लोगों के हैं, मेरे दोस्तों के, और उनके कुंडलियों में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये है ना बहुत सुंदरता से कैसे काम कर रहा है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो हम देखेंगे कि कैसे शादी जो है, या बोलो विवाह, बिल्कुल विवाह, विवाह और धर्म कैसे कनेक्टेड है। और हम भी अपने चार्ट्स को देख सकते हैं कि हमारे पास भी ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो होगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो कनेक्ट करते हैं। नहीं, आज एक नई डेफिनेशन आपसे सुनने को मिली। आपने कहा विवाह वो माध्यम है, वो जरिया है जिसके द्वारा आप अध्यात्म में उन्नति कर सकते हैं, और इसके लिए जो आपने बहुत अच्छे से नाइन्थ और सेवंथ का लिंक बताया कि धर्म का लाभ है विवाह, तो क्वाइट अ गुड एक्सप्लेनेशन आई वुड से। अब प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं अभी शेयर स्क्रीन करूंगा, तो आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। ओके, तो ये जो चार्ट है, ये एक मेरे वरिष्ठ मेरे गुरु भाई है जो उनका चार्ट है, और अत्यंत सुंदर चार्ट है ये। और ये अभी यूएस में मास्टर्स इनका खत्म हुआ है, और इनकी अभी शादी भी होने वाली है, और इनकी जिनसे शादी होने वाली है वो भी आध्यात्म में बहुत ज्यादा रुझान रखती है, इनकी जो होने वाली धर्मपत्नी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये मकर लगन की कुंडली है, बिल्कुल, उसके बाद जो लग्नेश है शनि, वो द्वादश में बैठे हैं। तो द्वादश ऐसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये राशि भी धनु है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लग्नेश जहाँ बैठता है वो दिखाता है कि आदमी का बाय डिफॉल्ट थिंकिंग कैसा होता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो जब लग्नेश ट्वेल्थ में बैठा है द्वादश में, और जब धनु राशि आ जाता है उसमें, तो जब भी इनको संकट आता है तो हमेशा ये पुकारते हैं भगवान को, और अपने ऊपर के जो हमारे जो शास्त्र है या जो ऋषिया जो मुनि है उनके कथन पे ये हमेशा चलने का प्रयत्न करते हैं। और अभी वो यूएस में है, फिर भी मदिरा या ऐसे जो गलत चीजें है इनका वो कभी ये नहीं करते ना, कभी इनको एंटरटेन नहीं करते अपने लाइफ में। तो ये बहुत रेयर चीज है बाहर रह के ये सब गलत काम ना करना। बिल्कुल। तो अभी देखिए, इसके बाद इनका जो सातवां घर है इसमें गुरु बैठे हैं उच्च के। जी बिल्कुल। और केतु भी उच्च का माना जाता है कर्क राशि में, उच्च का नहीं बट बहुत अच्छा होता है ये। अच्छा माना जाता है, बिल्कुल। और ये गुरु जो है ये एग्जैक्टली 5 डिग्री पुष्य नक्षत्र में है, जो परम उच्च का स्थान है गुरु का। 5 डिग्री कर्क राशि, फर्स्ट पादा ऑफ पुष्य, परम उच्च स्थिति में है ये। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है ये विवाह के लिए, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी देखिए आप, तो ये एक कॉम्बिनेशन आ गया कि केतु और गुरु जो दोनों आध्यात्म के ग्रह है, ये उनके सातवें भाव में बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए जो नैसर्गिक कारक है विवाह का, वो है शुक्र। हाँ जी, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे कि ओ यहाँ शुक्र तो नीच का बैठा है। और है नीच का, बराबर है नीच का, उसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। ये
वर्गो साइन में है तो नीच का तो जरूर है। और एक इसमें डिफिकल्टी है जो अष्टमेश है सूर्य भी शुक्र के साथ युति में है, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि जब इनको शादी करने का अवसर आए तो कुछ रुकावटें पैदा हो सकती है। लेकिन अभी आप देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये शुक्र जो नीच का है इसकी नीचता भंग हो गई है बुध से, बुध इसी घर का स्वामी है और नीच भंग तब हो जाता है जब स्वामी उसके साथ हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो अभी लोग बोलेंगे ओ अच्छा शुक्र का नीच भंग हो गया तो नीच भंग तो शुक्र नीच नहीं है ना, ऐसा बोल देंगे लोग। लेकिन लोग आपको ये नहीं समझाएंगे कि नीच भंग कैसे हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ मर्क्यूरी से हो रहा है, बुध से हो रहा है, लेकिन आप असली में बात तो समझाओ उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए शुक्र यहाँ नीच का है और अष्टमेश के साथ युति में है, ठीक है, तो ये कुछ दुविधाएं पैदा कर सकता है। लेकिन जो नवे घर का स्वामी है वो स्वयं बुध है, और नवे घर का स्वामी क्या होता है, नवा घर हमारे गुरु का है, तो स्वामी जो है वो व्यक्तित्व को दिखाता है, हर एक घर का स्वामी व्यक्तित्व को दिखाता है। तो मतलब जब ये शुक्र जो कि विवाह शादी ये सब का मामला है, जब वो गुरु के साथ बैठा है, गुरु मतलब मैं जुपिटर का बात नहीं कर रहा, बुध का बात कर, नवमेश की बात कर, नाइन्थ लॉर्ड की बात कर, नवमेश, जब ये नवमेश के साथ बैठे होंगे तब इनकी विवाह में जितनी भी रुकावटें आए सब समाप्त हो जाएंगी। नहीं हो पाएगा कोई, इनको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये नवे घर में भी है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके नवे घर में तीन ग्रह है और सूर्य जो आत्मा का प्रतीक होता है, नेचुरल आत्मा कारक जिसको बोलते हैं, वो भी नवे घर में है ना, और नवम भाव का स्वामी खुद नवे में बैठा है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही ज्यादा है और इनका दिमाग बहुत तेज है क्योंकि बुध भी उच्च के है। तो यहाँ हमने दिखाया कि, और अभी आप पूछेंगे शुक्र नवे में है, ठीक है, तो इन्होंने जब हमारा एक मैट्रिमोनी ग्रुप था जहाँ पे इन्होंने अपना वो प्रोफाइल अपलोड किया था जी, तो इन्होंने बोला था कि मुझे बस लड़की में एक ही गुण चाहिए, उसका भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए बस। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी जो होने वाले बीवी उसको ऐश्वर्य राय जैसी खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत पैसे वाली होनी चाहिए ना, क्योंकि वो नवे में है और नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ना वो अपनी बीवी में ढूंढे हैं। और यहाँ पे सातवें घर का जो स्वामी चंद्रमा चतुर्थ में है और वो भी दिग्बल में है, तो इसका मतलब है कि जब भी वो अपने गुरु की वाणी सुनेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि गुरु गुरु खुद यहाँ बैठे हैं सातवें में और केतु भी है, तो इनका सारा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। और इनका केतु के वजह से इंटरकास्ट मैरिज भी हो रहा है, इनको जो अमेरिका में एक और लड़की मिली इनको जो पढ़ाई कर रही है लेकिन वो दूसरे कास्ट से है, तो फिर भी ये उनसे शादी करने वाले हैं अभी जी, क्योंकि ये केतु जो है कभी कभार दर्शाता है कि दूसरे कास्ट से हो सकता है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि दोनों का जो आध्यात्म के प्रति चिंतन है बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने हमारे गुरु से आशीर्वाद भी ले लिया और बहुत जल्द इनका विवाह होने वाला है। यहाँ हमने देखा कि शुक्र को कैसे ये उसकी निष्ठा कैसे भंग की, तो इसको ये व्यक्ति का कुंडली अगर आप देखेंगे तो उनको क्या सजेशन देंगे कि जब भी आपको शादी में कोई प्रॉब्लम आए क्या करें, अपने गुरु को फोन करके पूछिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, सारा प्रॉब्लम आपका खिड़की से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं दो बातें कहूंगा बाबा जी, जैसे आपने समझाया दर्शकों के लिए कि देखिए चार्ट को देखने के दो तरीके हैं, एक है भौतिक सुखों के बारे में देखना और एक होता है अध्यात्म से संबंधित देखना। बढ़िया, यहाँ बाबा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि लग्नाधिपति बारहवें घर में गया है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली मतलब अगर कहें देखें तो दिमाग में ये आएगा यार लग्नेश बारहवें में जाना अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ पर नौ नंबर की राशि में है जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भाग्य भाव या धर्म भाव है। और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छे से रखा कि चार आठ और बारह मोक्ष भाव कहलाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाते हैं, ऐसे में उसका वहां जाना नेटिव को स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहा है।
और जहां तक मैं समझ पाया, अगर भावा मैं कहीं कुछ गलत बोलूं प्लीज मुझे करेक्ट करवाना। उसके बाद इन्होंने बृहस्पति की बात करी कि किस तरह सप्तम में बृहस्पति जलीय राशि, जो वो कालपुरुष की कुंडली में 4/8 राशि को रिप्रेजेंट करती है, वहां पे एग्जॉल्टेड है विद केतु। गुरु केतु योग वैसे ही बहुत आप लोग सब जानते ही हैं कि अध्यात्म से संबंधित एक कॉम्बिनेशन है। एंड देन शुक्र के नीच पर जो बात हुई ये बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच का तो था विदाउट अ डाउट, लेकिन नीच भंग एक तो बुध की वजह से, दूसरा शुक्र उच्च होता है मीन राशि में राइट, और उसका उच्चनाथ गुरु खुद स्वयं इस कुंडली में एग्जॉल्टेड भी है और चंद्रमा से केंद्र में भी है, तो दो तरीके से नीच भंग हुआ। तो यहाँ पर हमें डरने की बात नहीं है, जैसे कि भावा जी ने बताया प्रॉब्लम में अराइज क्योंकि वो वीनस डेबिलिटेशन में है, बट बिकॉज ऑफ इसका नीच भंग दो वजह से भावा जी ने किया, एक तो मरकरी की वजह से वो जो कि भाग्येश है, और एक गुरु की वजह से जो नेचुरल कुंडली का भाग्येश है या एक्चुअल गुरु कारक है उसका। तो उन्होंने, मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे भावा जी आपकी, कि किस तरह से इस चार्ट में आपने ये बताया कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो दिखेगी लेकिन उसको ओवरकम करने की ताकत ऊपर वाले ने इस कुंडली में दी है, और बहुत अच्छा। वही तो जरूरी है ना, वरना प्रॉब्लम है इसके लिए तो आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आता ना, वो तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का होता है। प्रॉब्लम है तभी तो है आपके पास, और आप बोलते रहेंगे आपके तो ये राजयोग है वो राजयोग है, आदमी सोच रहा है मेरे पास ही सारे राजयोग है। बिल्कुल। तो मैं अभी दूसरा चार्ट निकालूंगा, ये उससे ये भी एक महान चार्ट है। अच्छा अच्छा, तो ये चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये जो चार्ट है इसमें भी आप देखेंगे कि मेष राशि का है ये लगन, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि लग्नेश नवे में बैठा है, मंगल उसके साथ, सूर्य है, चंद्रमा है, राहु भी है, यूरेनस नेपट्यून को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो व्यक्ति है ये इनके लाइफ में भी अध्यात्म का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, बहुत ही ज्यादा जी। और इसके वजह से ये हमेशा कहते हैं कि जब भी मेरे जिंदगी में कोई भी संकट आता है तो सारा संकट इनका दूर हो जाता है जब भी ये अपने गुरु से बात करे। और यहाँ पे देखिए ये जो जुपिटर है अपनी पांचवी दृष्टि से नवे भाव को देख रहा है, देख रहा है बिल्कुल, और नवी दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि कहते हैं कि लगन आदमी का बुद्धि है और लग्नेश वो बुद्धि से करता क्या है वो दर्शाता है। बराबर बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए गुरु का उसके लग्न और लग्नेश दोनों पे दृष्टि है, और चंद्रमा पे भी दृष्टि है, सूर्य पे भी दृष्टि है। बहुत ही अति सुंदर है ये बिल्कुल। तो उसके वजह से ये हमेशा मुझसे कहते हैं मेरा मित्र कि मैं जितना भी कोई भी गलत काम करने का सोचता क्यों ना हो लेकिन किसी वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ वो काम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, और ये अगर आप देखें कि शुक्र यहाँ अष्टम में है लेकिन ये जो डिस्पोजिटर है मतलब ये जो राशि का जो अधिपति है वो मंगल स्वयं नवे में है। ठीक है, तो इसके वजह से हम इनको ये भी कह सकते हैं कि आपके विवाह में कुछ संकट आ सकता है क्योंकि यहाँ पे वो शुक्र सप्तमेश भी है, लेकिन जब आप ये नवे घर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए ये सूर्य जो है यहाँ पे पंचमेश है जी, तो पंचमेश नवे में है, तो इसका एक और तात्पर्य हम बता सकते हैं कि जब भी ये किसी भी आध्यात्मिक प्रोसेस की तरफ जुड़े तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मंत्र अच्छे से करे क्योंकि पांचवा घर मंत्र का है। यहाँ पे अगर शनि होता तो हम बोलते योग अष्टांग योग उस टाइप के चीजें हम सजेस्ट करते, लेकिन अभी मैं ये वो सजेस्ट नहीं करूंगा इसे। और ये भी मुझे बोलता है कि जब से मंत्र स्टार्ट किया है ना इसका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लाइफ में, बहुत बढ़िया। और क्योंकि जुपिटर इनका पांचवे में है तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है बचपन से ही। बुध होता तो विष्णु का भक्त होता, गुरु है तो शिव जी का भक्त है।
और इनका जो शुक्र है वो अष्टम में है लेकिन अनुराधा नक्षत्र में है, तो ये भगवान कृष्ण के भी बहुत ज्यादा बहुत ये मानते हैं उनको भी। तो ये भी, और लग्नेश नवम में है तो ये भी राजयोग है, और ये अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं जो कि हम सब जानते हैं इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में से है, और गुरु पांचवे में है तो एजुकेशन भी बहुत अच्छा गया है इनका, ही इज ऑलवेज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। हाँ, जहां भी जाए है ना टॉप में ही रहे हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका जो चंद्रमा है वो भी नवे में है, सूर्य भी, और दोनों मूल नक्षत्र में है, जिसके वजह से भी ये हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरी जड़े कहाँ है, मेरी मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो पूछते रहते हैं हमेशा जी। तो ये एक चार्ट हो गया। अभी मैं एक बार इस चार्ट के ऊपर मैं एक बार अपने दर्शकों को वो थोड़ा हाँ। सा वो कर दूं कि जो थोड़ा देखते हैं, भावा जी ने जैसे बताया कि लग्नाधिपति नवम भाव में है, और मैं यहाँ पर अगर एक स्टेटमेंट कहूँ कि लगन, लगन का स्वामी, लगन का कारक तीनों जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड है, लगन तीनों पर गुरु का एस्पेक्ट है, गुरु का प्रभाव है। पंचम और नवम में राशि परिवर्तन है, बढ़िया। और त्रिकोण, तीनों त्रिकोण के स्वामी आपस में इंटरकनेक्टेड है, बढ़िया। सूर्य गुरु और चंद्र, सूर्य गुरु और मंगल तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से। तो हाँ। ये रिप्रेजेंट करता है जितना बेहतरीन तरीके से अभी भावाजीत जी ने बताया कि IIM में ये नेटिव पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा इनका जो क्वालिफिकेशन और जो जो रैंक होल्डर रहने की आदत है, वो ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली को भीड़ से अलग कर देती है। ये करेक्ट, काफी यूनिक और काफी कम कुंडली में पाया जाता है जहाँ लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों का संबंध हो। और बाकी हाँ। अनुराधा नक्षत्र के बारे में जैसे अभी भावा जी ने बताया कि भगवान विष्णु से कनेक्ट करके देखा जाता है, बिल्कुल। ये कभी हम और इस पर बात करेंगे भावा जी से। कि और एक चीज मैं बहुत बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो मैं भूल गया, यहाँ पे शनि केंद्र में है अपने राशि में, तो सशम महापुरुष योग भी हो रहा है। लेकिन ये योग बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपको हिंदुस्तान में भी आप ट्रेन, सड़क, फ्लाइट कहीं पे भी जाएंगे ना, लोग बहुत मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे अध्यात्म पे ना, भगवान ये है वो है ना, हम हमारे मुताबिक, ये जो फ्रेज है ना, हमारे मुताबिक भगवान ये है, भगवान वो है ना, अब क्या है कौन है वो जानते कि नहीं वो दूर की बात, लेकिन उनका ओपिनियन हमेशा रहता है मेरे मुताबिक शायद ऐसा, लेकिन ये बोलने वाले लोगों में से नहीं है। हाँ, ये करने बहुत शक्तिशाली है, तो ये पहले बोलेंगे। देखिए गुरु बोलता है फिलोसॉफिकल थिंकिंग कैसा है, तो उसका तो प्रभाव है भी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ में शनि जो है वो इतना बलवान है, तो ये करने वालों में से भी है, बिल्कुल। ये वो बिल्कुल। नहीं है जो 10 गुरुओं के बाद जाके पूछते रहेंगे वो कौन सा अच्छा है, जब तक उनको वो सुनना ना मिल जाए जो वो सुनना चाहते, ये उनमें से नहीं है। सही बात है, सही बात है। मैन ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ये बहुत शक्तिशाली। और यहाँ पे आप देखेंगे चतुर्थ भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, जो पढ़ाई वगैरह ना, फोर्थ हाउस एजुकेशन, वो भी यहाँ है, तो उसके वजह से भी बहुत अच्छा है। और बहुत अनगिनत राजयोग, उसमें ये माँ भाग्य योग भी है कि विषम लगन है, ऑड साइन वाला, बिल्कुल। सूर्य चंद्र दोनों ऑड साइन में है, लगन भी उसमें है, और दिन में भी पैदा हुआ है क्योंकि सूर्य नवम में है, तो महाभाग्य योग भी है उसमें, बहुत सारे योग है अनगिनत। नहीं, इस चार्ट की बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा भावजी जी। हाँ, और ये मेरा दोस्त है जिसको मैंने अपने चैनल पे भी इन्वाइट किया।